दादरा नगर हवेली में डेंगू की रोकथाम के लिए फ्राइडे ट्राइडे अभियान के तहत मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट किया गया। बरसात के मौसम में डेंगू की बीमारी को रोकने के लिए दादरा नगर हवेली स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की पहल फ्राइडे ड्राइडे के माध्यम से क्षेत्र के सभी गांवों में मच्छरों को प्रजनन स्थलों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य घर के आसपास के साफ पानी को हटाकर उसके स्थान पर घर के अंदर का पानी देना है, जिससे डेंगू मच्छरों के प्रजनन स्थल नष्ट हो जाएंगे और बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि डेंगू एक बीमारी जो बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो मच्छरों के माध्यम से फैलती है, लेकिन हम सभी इस बीमारी को मिलकर नियंत्रण में ला सकते हैं। तो इसी के लिए प्रशासन एक छोटी सी पहल कर रहा है, इसको नाम दिया गया है फ्राइडे ड्राइडे। तो फ्राइडे ड्राइडे का मतलब है कि फ्राइडे हफ्ते का एक दिन ऐसा रहेगा जिस दिन सभी नागरिकों को अपने घर के आसपास कहीं पे भी कंटेनर जो सीधे दिखते हैं जिसमें पानी जमा हो सकता है या पानी ऑलरेडी जमा है, शुक्रवार के दिन जहाँ कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, तो उस दिन सब कंटेनर्स खाली होने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन जगहों पे मच्छरों के लार्वा डेवलप ना हो। मच्छरों के लार्वा डेवलप नहीं होंगे तो डेंगू फैलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाए। सभी औद्योगिक इकाइयों, स्कूलों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से निवेदन करते हैं कि इस अभियान को गंभीरता से लें और हर शुक्रवार को अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करें। यह सिर्फ कुछ घंटे का काम है, परंतु यह करने से डेंगू होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है।